नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान के जोबनेर कस्बे से। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। गांव की दुनिया में सबसे पहले बात करेंगे आपनों गांव में, राजधानी से 45 किलोमीटर दूर जोबनेर की। जी हां, जोबनेर। जोबनेर वह गांव या क्यों कहें वह कस्बा जो कि प्रसिद्ध है अपने कृषि विश्वविद्यालय के लिए। जोबनेर वह जगह जो प्रसिद्ध है अपने ज्वाला माता के मंदिर के लिए। जोबनेर वह स्थान जो पलक पांवड़े बिछवा देता है उन श्रद्धालुओं के लिए जो लाखों की संख्या में हर साल नवरात्रों में पहुंचते हैं जोबनेर। परंतु वही जोबनेर आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। राजधानी से मात्र 45 किलोमीटर दूर होते हुए भी यहाँ चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जोबनेर एक ऐतिहासिक गांव है। जयपुर से मात्र 45 किलोमीटर दूर स्थित है जोबनेर। जोबनेर ज्वाला माता के मंदिर के लिए भी है प्रसिद्ध। लाखों श्रद्धालु आते हैं नवरात्रों में। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के लिए भी है प्रसिद्ध। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से लोग परेशान हैं। CHC बने तो लोगों को मिले राहत। स्थानीय लोग जमीन और पैसा देने को भी हैं तैयार। जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं ध्यान। लोगों में सुविधाएं नहीं होने से है रोष। मूलभूत सुविधाओं का भी है अभाव। श्रद्धालुओं के लिए नहीं है पार्किंग व्यवस्था। जोबनेर गांव में आने जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे उपयुक्त है, तो गांव में CC रोड का जाल बिछा हुआ है। हालांकि यहां लोग रेलवे से भी सफर करते हैं, लेकिन आवागमन के लिए कोई खास परेशानी यहां के लोगों को नहीं है। तो आपको बता दें कि जोबनेर संपूर्ण भारत देश में आध्यात्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। हरे भरे त्रिकोणीय पर्वत की गोद में स्थित पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार चंद्रवंश मुकुटमणि महाराज ययाति ने अपने बेटे पुरु के यौवनदान की स्मृति में वर्तमान जोबनेर को यौवनेर के नाम से बसाया था, जिसे आगे चलकर जोबनेर के नाम से पुकारा जाने लगा। बताया जाता है कि जोबनेर पर्वत पर स्थित मां ज्वाला के मंदिर की स्थापना 1296 में खंगारोत कछवाहा राजपूतों ने की थी। बताया जाता है कि जगमाल पुत्र खंगार ज्वाला माता के परम भक्त थे, जो कि जोबनेर के वीर शासक हुए हैं। इन्हीं राव खंगार को ज्वाला माता ने स्वप्न में आकर मंदिर पर बड़ा मंडप बनाने व विशाल मेले का आयोजन करने की प्रेरणा दी थी। तब से लेकर आज तक यहाँ मेले का आयोजन होता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। लगभग 2-3 लाख यात्री पूरे मेले में आते हैं और करीब 101 पद यात्रा आती है, खास करके अलवर भरतपुर दौसा डिस्ट्रिक्ट से आती हैं ज़्यादातर। राजस्थान से बाहर के यात्री भी आते हैं? राजस्थान से बाहर दिल्ली गुजरात पंजाब यहाँ के काफ़ी आते हैं। जोबनेर माता ज्वाला माता के मंदिर के साथ यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय का भी अपना अलग ही स्थान है। यहाँ कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, रिसर्च एवं कृषि शिक्षा के कार्यक्रमों के विस्तार के उद्देश्य से सन 1947 में यहाँ के रावल नरेंद्र सिंह ने अपने पिता रावल कर्ण सिंह की स्मृति में अपनी हजारों बीघा भूमि एवं अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के लिए दान कर दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हीरा लाल देवपुरा एवं RPA के निदेशक
बीएल सोनी इसी महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। हजारों छात्र छात्राएं यहां से अध्ययन कर देश भर के कृषि अनुसंधान केंद्रों पर सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 15,000 की आबादी वाले इस गांव में कहने को तो सभी सुविधाएं हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां CHC नहीं होने के कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये हॉस्पिटल लेडी डॉक्टर कोई नहीं है, इसमें ये बंद पड़ा है, इसका लॉक बंद है, कभी सफाई भी नहीं होती है इसमें। जिसने ये दी थी दानदाता ने, इसलिए दी थी कि लेडीज के लिए कोई सुविधा होनी चाहिए। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई बच्चों को डॉक्टर है, ना और कुछ। आवश्यकता पड़ने पर लोग मरीजों को या तो निजी अस्पतालों में या फिर जयपुर लेकर भागते हैं, जिससे कई बार इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को यहाँ बड़े अस्पताल की व्यवस्था करनी चाहिए। लगभग 70% केस जो जयपुर रेफर होते हैं। रात के टाइम तो जैसे एक्सीडेंट होगा जयपुर जाते जाते तो खत्म भी हो जाता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अलकेश अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने अस्पताल निर्माण के लिए 1 बीघा जमीन और 5 लाख रुपए तक दान देने को तैयार है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते यहाँ अस्पताल में सुविधाएं तक नहीं बढ़ रही हैं। तो सर, मैं यहाँ जोबनेर में पैदा हुआ था, यहाँ इतना बड़ा हो गया और ये जमीन है मेरे पापा की है, इसको मैं डोनेट के लिए तैयार हूँ। इसमें बिल्डिंग भी बनी हुई है, दोनों साइड रोड है और पैसों की भी ज़रूरत हो तो मैं 5 लाख रुपये और डोनेट करने के लिए भी तैयार हूँ। पर गवर्नमेंट अगर ये कहे ज़मीन नहीं है तो ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। कितनी जमीन होगी सर ये? 1 बीघा जमीन है जिसके दोनों साइड रोड है और आज इसकी वैल्यू नहीं भी है तो कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की वैल्यू है इस जमीन की। मैं कहूँगा जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी आराम से आएगी, एम्बुलेंस वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, खुला रोड है, पेशेंट आएगा चला जाएगा, सब कुछ इलाज वगैरह सब ढंग से होगा। बढ़िया बिल्डिंग बनाए, गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो कोई दिक्कत होगा, सब कुछ आराम से। पब्लिक वोट दे देगी, पैसे ऐसी कोई बात नहीं है। और पैसे देने की कमी जॉब में कहीं कोई नहीं है, आप आगे आओ, पैसा ही पैसा है जॉब में, कहीं कोई भामाशाह बहुत है जॉब में। हालात ये है कि PSC में कई सालों से एक्सरे मशीन धूल चाट रही है, स्टाफ के अभाव में तो प्रसूति गृह का ताला कई सालों से नहीं खुला। हम CHC के लिए मुहिम चला रहे हैं, उसमें जोबनेर के सभी व्यापारी वर्गों ने हमारा सहयोग किया है और सभी समाजों ने हमारा सहयोग किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद। और इसके लिए हमने हमारे उद्योग मंत्री जो हमारे विधायक हैं उनको हम लिख कर के देख रहे आ रहे हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और उम्मीद है कि इस बजट में हमारा CHC हो जाएगा। उसके इसी कड़ी में हमने हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय उनको भी ज्ञापन देकर के प्रेषित किया है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस बजट में हमारा CHC सामुदायिक कर्मोन्नत अस्पताल कर्मोन्नत हो जाएगा। चिकित्सा मंत्री और हमारे जो UDS मंत्री थे पूर्व और अभी जो हमारे उद्योग मंत्री हैं उनको भी हमारे अभी जो आश्वासन मिला है उसमें उन्होंने डिजायर लिख दिए और हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके पास फैक्स कर दिया और अभी तक हमारे को आश्वासन मिला है कि आपका 8 तारीख को जो बजट पेश होगा उसमें हमारे को जोबनेर वासियों को यह आशा है कि हमारे जोबनेर में CHC हो जाएगी। लेकिन अगर 8 तारीख को अगर नहीं होती है तो हमारा व्यापार मंडल, आसपास के सरपंच और हमारे ग्रामीण सभी मिलकर हम जोबनेर नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देखा आपने किस तरह जोबनेर जो JDA की सीमा रेखा में आने के बावजूद चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। यहाँ ऐतिहासिक मंदिर और कृषि कॉलेज होने के कारण दूर दराज के स्टूडेंट और श्रद्धालु भी आते हैं। कम से कम सरकार गांव वालों को नहीं तो बाहर से आने वाले लोगों की परेशानी को देखते हुए यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति करे और अस्पताल को क्रमोन्नत कर राहत दे। आपने गांव में आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए गाँव में, नए लोगों के साथ, नई समस्याओं के साथ। तो ये था जोबनेर। कड़कड़ाती धूप में शीतल छांव ढूंढता हूँ, पत्थरों के शहर में मैं अपना गांव ढूंढता हूँ। अगली बार फिर हम आपको अपने गांव में किसी अन्य गांव में लेकर चलेंगे। बहरहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A1 TV।